हेलो दोस्तों, तो ये है मेरा टीम, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और ये है मेरा वन ऑफ द बेस्ट गोल में कॉर्नर गोल, एक अच्छा बहुत अच्छा गोल था ये, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मारा ये मस्त सा गोल। उसका हेडर तो आपको पता ही है कैसा है, ये देखो। पर इसने जंप करना भी नहीं था, इतने बहुत नीचे आया था बॉल, तो ऐसे ही उसने मार दिया हेडर। नाइस, गोलकीपर के लिए तो बहुत हार्ड था ये पकड़ना। ये देखो दोस्तों, दोबारा रिप्ले दिखा रहे हैं। ये देखो गोलकीपर को, बस देखो उधर ही ना, ये था उसको यार जहां बॉल दिया था। गोलकीपर क्या थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा शायद होगा गड़बड़ होगा उसमें। तो ये है दूसरा गोल मेरा, बहुत अच्छा शॉट मारा था ये, एकदम क्लियर क्लीन गोल। कैनी डेलग्लिश शायद, हाँ सर कैनी डेलग्लिश। बुफॉन भी नहीं पकड़ पाया। नेक्स्ट में चलते हैं, और ये है कोई और गोल, सॉरी नहीं है वही गोल है, लॉल मैं बार बार दिखा रहा हूँ। देखो गाइस मैं बार बार दिखा रहा हूँ एक गोल, ये तो एक मस्त सा ट्रेंडिंग गोल था, सीधा एकदम नेट पर घुस गया जैक। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट गोल है, वाह क्या शॉट था, क्या शॉट था ये वाला, एकदम मस्त, क्या मारा इस बंदे ने। ये मेरा गोल है बाय द वे, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के टीम में था। वो क्लियर गोल, क्लीन कैन साफ गोल, एकदम मस्त मस्त गोल। तो दोस्तों ये रैशफोर्ड है, और बिलीव नहीं कर सकते ये गोल भी हो सकता है या नहीं, कि ये क्या था यार, मैं ये अनबिलीवेबल गोल था, मैंने सोच भी नहीं था, बस ट्राई किया था कि होगा भी या नहीं। गाइस आप बस देखो इस गोल को, और गोल के में पता नहीं क्या नाच रहा है वहां पे। इतना आसान नहीं है मेरा बॉल पकड़ना। ये बेलिंघम बेलिंघम बेलिगोल बेलिंघम, यह एकदम पूरे टीम को ड्रिबल पास करके बेलिंघम ने एकदम बार पे गोल मारा, और बार से पूरा नेट पे गया। अच्छी पेस था उसका, अच्छा स्पीड किया था उसने, मतलब पूरे टीम को पास करने के लिए अच्छा स्पीड दिखाया था। और ये क्या है, ओके ओके हेडर हेडर, ओके वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे ये हेडर। बस ये जंप कोई नहीं करता यार, मजा नहीं आता। तब भी ठीक है, मेरे रिसेंट गोली तो है ये सब, पूरा धाड़ करके दे दिया एक गोल। कैंडलग्लिश तो दिमारिया, वो गोलकीपर तो देखता रह गया, और सर के इंटेलिग्रेश ने बहुत ही अच्छा पास दिया। और दिमारिया तो आपको पता ही है, मेसी का फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा खेलता है अर्जेंटीना में, वर्ल्ड कप जीतने के लिए वो उसने मदद किया। और दोबारा से ये गोल थोड़ा सा देख लो, बस आप देख लो, थोड़ा सा मजे ले लो इसके, इस गोल के थोड़ा सा मजे ले लो। ये जो एक गोल है ना, वो एकदम क्या बोलो, किसी को भी बीट कर सकता है ये गोल, किसी भी बड़े बड़े प्लेयर को, जैसे आरके रेड्डी, किसी भी प्लेयर को बीट कर सकता है ये वाला गोल। रैशफोर्ड को तो मैं अभी खरीदने वाला हूँ। और ये भी देखो, ये भी बहुत ही अच्छा था, रैशफोर्ड के गोल के बराबर नहीं था, बहुत तगड़ा मारा है, बट
नॉट इवन क्लोज टू रैशफोर्ड्स गोल. वेल डन ब्रो. मतलब मैं खुद को ही बोल रहा हूँ, मतलब मैंने शूट किया लेकिन उसका शूटिंग अच्छा था, शायद गोल मार दिया उसने. और रैशफोर्ड तो पता ही होगा बहुत अच्छा है वो इस शूटिंग में. और बेलिंगहम का तो आपको पता ही, अभी देखा आप लोगों ने कुछ देर पहले, बार बार रिपीट दिखा रहा हूँ इस चीज़ का. तो दोस्तों देख लो बस आप वो. और गोलकीपर को डाइव कर लेना चाहिए था यार. एथलेटिको मैड्रिड का गोलकीपर ओब्लाक है, और ओब्लाक इतना भी बुरा नहीं है. उसका जंप थोड़ा सा, शायद पोजीशनिंग अच्छा है, बाकी सब थोड़ा से डाउन साइड में. और ये देखो आप वो एकदम नाइस, एकदम क्रॉस किया उसने. वेरी नाइस क्रॉस. और जो वन नंबर का बंदा है ना, उसने पकड़ भी नहीं पाया वो. सही गाइस, थोड़ा सा हैंग मार गया वहाँ पे, कोई बात नहीं. और ये वाला पास तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला पास बहुत अच्छा था एकदम. क्या बताओ गाइस, रिप्ले देख लो एक बार ताकि याद कर सको एक दो बार और, बिकॉज ये रिसेंट से वन ऑफ द बेस्ट गोल्स है मेरे. ये प्लेयर्स बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. 100 OVR का टीम है मेरे पास, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा मेरा टीम.